दोस्तों सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो कि एमपी में स्थित है यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो हालांकि इस यूनिवर्सिटी को जो अप्रूवल मिला वो मिला 2018 में। 2018 से इस यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स लेने शुरू कर दिए और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आप देखोगे कोई भी अगर आपसे बात करेगा तो एजुकेशन से रिलेटेड मतलब कि बीएड या एमएड या बीएड पार्ट टाइम इसके रिलेटेड ही अब ज़्यादातर आपसे बात करेगा कि मैं एडमिशन लूँ या नहीं लूँ, मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि यूनिवर्सिटी के पास कुछ और भी अच्छे अप्रूवल्स हैं देखा जाए तो, बट इस यूनिवर्सिटी में ही क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए? क्योंकि यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो टोटल जितनी भी यूजीसी पर यूनिवर्सिटी लिस्टेड है उन्हीं में से एक नाम इस यूनिवर्सिटी का भी आता है। 31वें नंबर पर आप यूजीसी पे जाकर इस यूनिवर्सिटी के बारे में चेक कर सकते हैं। बट अगर आप कोई भी कोर्स इस यूनिवर्सिटी से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करते हैं तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है या फिर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो। ऐसी ही कई सारी बातों पर आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों देखा जाए तो हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, 1000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। इन सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है यूजीसी। यूजीसी पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं और यूनिवर्सिटी का अपडेट जो भी वहां पर है उसको देखते हुए आप इसको भी पता लगा सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। यूजीसी पर आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो आप यूजीसी की वेबसाइट खोलेंगे ugc.ac.in। उसके बाद में जो टैब्स बने हैं वहां लिखा होगा यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करेंगे नीचे आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ आएगा। आप वहां क्लिक करते हैं तो सभी स्टेट के नाम लिखे हुए आ जाएंगे। वहां जाकर आपको मध्य प्रदेश पे क्लिक करना है और जैसे ही मध्य प्रदेश पर क्लिक करेंगे तो टोटल जितनी यूनिवर्सिटीज चलती है मध्य प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उन सब की लिस्ट खुल जाएगी। क्योंकि अभी फिलहाल में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही है। 31वें नंबर पर देखने को मिलेगा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको। 2018 में मतलब कि 28 जुलाई 2018 में यह यूनिवर्सिटी आई है, उसके बाद से इस यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स लेने शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है spubgt.ac.in जो यूजीसी पर लिस्टेड है। यूनिवर्सिटी की मोर डिटेल्स में आप जाएंगे तो यहां पर वीसी साहब की डिटेल, रजिस्ट्रार साहब की डिटेल, जो वीसी साहब हैं इसके डॉक्टर आर के सिंह, साथ में उनकी मेल आईडी और फोन नंबर मेंशन है। रजिस्ट्रार साहब की बात करें डॉक्टर स्वाति जायसवाल, इनका फोन नंबर और इनकी मेल आईडी यहां पर मेंशन है। अब बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कैसा रहेगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको तीन चीजों का ध्यान रखना जरूर चाहिए। हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं उनमें से आपको तीन पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए ये तीनों चीजें काम आ सकती हैं। अगर किसी जुगाड़ से या किसी और तरीके से आप एडमिशन लेते हैं इन यूनिवर्सिटीज में तो बात अलग है, फिर शायद ये चीजें आपके लिए काम की ना हो। आप यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी कैंपस देखिए और कैंपस के साथ साथ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल भी देखिए, क्योंकि वहां पर आप जाकर रहने वाले हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स करने गए हैं किसी दूसरे स्टेट से। जाकर मिलिए यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर से और जाकर मिलिए उन स्टूडेंट्स से जिन स्टूडेंट्स ने इस यूनिवर्सिटी से कोई बैच कंप्लीट किया हो। मैं एक बात आपको बताऊं कि 2018 में तो यूनिवर्सिटी आई है, अगर कोई बीटेक करना चाहे तो मतलब कोई एक बैच अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ। पीएचडी ऑब्वियसली बात है अभी बहुत ही कम स्टूडेंट्स की अवार्ड हुई होगी या हो सकता है अवार्ड ना भी हुई हो। बीएड की हम लोग बात करें 2 साल का होता है तो इसके अंदर बीएड को लेकर और एमएड को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रही हैं। कभी स्टूडेंट्स के एडमिशन कैंसिल होते रहे हैं, कभी एग्जाम्स टाइम से नहीं होते, तो कभी स्टूडेंट्स के एडमिशन लेने के बाद भी फी का रिफंड ना करना, ऐसे कई सारे जो सवाल आप लोग हमसे पूछते हैं कि सर कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, आपको यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन और साथ में ही पुराने स्टूडेंट्स के साथ में क्या क्या हुआ या फिर क्या सही तरीके से उनका कोर्स कंप्लीट हुआ, इन चीजों के बारे में जान लेना चाहिए। प्लेसमेंट्स के बारे में भी जान लेना चाहिए किसी भी कोर्स में अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर मेंशन करती है कि इनके पास जो अप्रूवल्स हैं
अप्रूवल्स कई सारे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी बोलती है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से तो अप्रूवल है ही, क्योंकि जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो अपने स्टेट का अप्रूवल पहले लेती है। यूजीसी रिकॉग्नाइजेशन है यूनिवर्सिटी के पास, वो मैंने आपको भी बताया 31वें नंबर पर जाकर आप यूनिवर्सिटी के बारे में यूनिवर्सिटी की डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। साथ में यूनिवर्सिटी बोलती है अप्रूवल बाय AICTE। दोस्तों ये बात बहुत अच्छी है MP में कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी के पास AICTE का अप्रूवल है। हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को AICTE के अप्रूवल की जरूरत होती नहीं है, बट काफी सारी यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल है। अप्रूवल बाय PCI मतलब कि फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब बी फार्मेसी डी फार्मेसी करने के लिए इस कोर्स की अप्रूवल जरूरत पड़ती है। साथ में NCTE मतलब BEd करने के लिए जो एजुकेशन रिलेटेड जितने भी कोर्सेज आप करते हैं उसके लिए जरूरत पड़ती है। अप्रूवल बाय आईकार, ICAR बोलते हैं इसको, मतलब जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एग्रीकल्चर कोर्सेज में या फिर अलाइड फील्ड जो कोर्सेज होते हैं उनमें एडमिशन लेना चाहता है तो आईकार देख लेना चाहिए। साथ में है यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, मतलब BCI का। ये तो कुछ अप्रूवल्स हैं, बट दोस्तों ऐसी भी कई सारी यूनिवर्सिटीज आपको मैंने पहले अपनी वीडियोस के माध्यम से बताई है जिनके पास अप्रूवल्स कई हैं बट स्टूडेंट्स के नाम पर कुछ भी नहीं। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो स्टूडेंट्स आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं उस यूनिवर्सिटी में, एडमिशन स्टूडेंट्स लेना ही नहीं चाहते। ऐसा ही हाल हो सकता है इस यूनिवर्सिटी का भी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने ही हमको अब तक रिव्यू दिए वो ठीक नहीं दिए। आप यूनिवर्सिटी जाएं, एडमिशन लेने से पहले आप जरूर यूनिवर्सिटी जाएं, किसी की बातों में ना आए, ना तो एडवर्टीजमेंट्स जो लुभावने एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनमें भी आप बिल्कुल भी ना फंसें, कंसल्टेंट्स की बात सुने। एडमिशन कोई करवा रहा है अच्छी बात है, पर आप यूनिवर्सिटी जरूर जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करें, देखें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, यूनिवर्सिटी उस लेवल की है भी कि नहीं कि आपको वो एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर भी पाएंगे कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ डिग्री ले लेने से दोस्तों कुछ होगा नहीं, जब तक आपको नॉलेज नहीं वो डिग्री किसी काम की नहीं। और साथ में ही आपने अगर डिग्री वो ले भी ली तो उसके बाद भी क्या यूनिवर्सिटी आपके साथ कोऑपरेट करेगी, बाकी के डॉक्यूमेंट्स इजीली देगी? जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर आप किसी भी जुगाड़ से एडमिशन ले रहे हैं कहीं पर भी, जैसा अक्सर आप बताते हैं हमें व्हाट्सएप करते हैं, तो फी की रसीद आप जरूर लें, फीस की रसीद आप जरूर लें, एडमिट कार्ड जरूर लें, लाइब्रेरी कार्ड लें, सब चीजें मांगें जो जो रेगुलर स्टूडेंट मांगता है वो सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। हालांकि नॉन अटेंडिंग भी इलीगल है, पर आप कैसे एडमिशन ले रहे हैं, कैसे कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं वो सब आप पर डिपेंड करता है। पर मैं आपको यही कहूंगा, अगर यूनिवर्सिटी में रेगुलर में आप एडमिशन ले रहे हैं और वहां पर अच्छी फैकल्टीज नहीं है, स्टूडेंट से आप नहीं मिलते हैं, प्लेसमेंट नहीं है, हॉस्टल अच्छे नहीं है, तो आप एडमिशन यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी ना लें। और अगर किसी और तरीके से जा रहे हैं तो वो अलग एक बात है, वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे एडमिशन ले रहे हैं। बेहतर होगा दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स लें, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में अभी देखा जाए 2018 में तो यूनिवर्सिटी बनी ही है, यहीं पर MP में ही आप देखोगे 2011 की, 2010 की, 2015 की, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर, जिसमें कि 1995 की भी यूनिवर्सिटी आपको देखने की मिलेगी आप जब UGC की साइट पर जाएंगे। तो यही यूनिवर्सिटी क्यों, जो रिसेंट में यूनिवर्सिटी बनी है 18 में, इस यूनिवर्सिटी में ही आप एडमिशन क्यों लें? एक से एक अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएंगे। अगर आपके बिल्कुल पास है ये यूनिवर्सिटी, घर के बिल्कुल साथ में ये पास में ही है, तो एक बात चलो अलग है कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, पर इस यूनिवर्सिटी से भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है MP में, तो वहां भी जाकर आप एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की आप असिस्टेंस चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, या फिर इस यूनिवर्सिटी के बारे में, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के बारे में कोई और डिटेल आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगला वीडियो किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी या फिर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के किस कोर्स या फिर किस अप्रूवल के बारे में आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को हर तरह के एजुकेशनल अपडेट से अपडेट रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।